तो बाबूलाल खिराड़ी भी मंत्री बने हैं और पद की शपथ लेने के बाद हमारे संवाददाता ने बाबूलाल से खास बातचीत की है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है देखिए। बाबूलाल खिराड़ी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पर टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, मतलब बहुत ही सुंदर जगह, मैं खुद गई हूँ झाड़ोल, काफी वहां पे गाँव में गई हूँ, तो बट टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, उदयपुर के पास भी है, गुजरात का बॉर्डर भी है। निश्चित रूप से वहाँ पर राणा पूजा की जन्मस्थली भी है, कमलनाथ महादेव एक बहुत पुराना स्थान है जहाँ पर ऐसा कहते हैं कि रावण ने वहाँ तपस्या की थी ऐसा मानते हैं। वहाँ पर एक हमारे रामकुंडा है जहाँ सीता राम और लक्ष्मण वहाँ रहे थे, ऐसी मान्यता है, तो हम लोग वहाँ पर्यटक को डेवलप करने का प्रयास करेंगे क्योंकि उनकी मांग भी है। बाबूलाल जी एक चीज बताइए, वैसे जो ट्राइबल लोग हैं जैसे आप लोग हैं, उनका रहन सहन बहुत सिंपल रहता है, तो आप कैसे रहेंगे मंत्री बनके? अब देखिए वैसे रहेंगे, पहले थे वैसे ही रहेंगे, पहले थे वैसे ही, कोई अंतर। और ट्राइबल के लिए कुछ अलग करेंगे? ट्राइबल्स के लिए जनजाति आगे बढ़ना चाहिए, वो पिछड़ा है, उनको मुख्य धारा में लाने का हम काम करेंगे। तो बाबूलाल खिराड़ी जो झाड़ोल से चुनकर आए हैं, एकमात्र ट्राइबल चेहरा है और बहुत ही सिंपल एमएलए हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से जैसे वो पहले रहते थे, उन्होंने बहुत सरल शब्द में बोला कि जैसे वो पहले रहते थे वो वैसे ही अब भी रहेंगे और ट्राइबल एरियाज के लिए कुछ करने की उनकी ख्वाहिश है। तो बाबूलाल खिराड़ी खास बातचीत एनडीटीवी से झाड़ोल से एमएलए हैं।